वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर 3 मंजिला इमारत में आग लग गई है और शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। आपको बता दें आग से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया है, आसपास के लोगों में भी हड़कंप मचा है और दमकल की गाड़ियों को सूचित किया गया है, तो मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि मैट्रेस के गोदाम में ये आग लगी है, मैट्रेस का गोदाम ये बताया जा रहा है। आग ने पूरी बिल्डिंग को यकायक कब्जे में ले लिया है और रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर की ये घटना बताई जा रही है। तो कानपुर से है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 3 मंजिला इमारत में आग लगी है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता चंद्रकांत तिवारी जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, आपसे जानना चाहेंगे ये जो आग लगी है क्या कुछ वजह सामने आई है? वजह का तो अभी पता नहीं लगा है जैसी, लेकिन जो ये गोदाम जो है स्लीप वेल मैट्रेस का गोदाम था और इसमें जो लोग बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, लेकिन अधिकारियों का यही कहना है कि ये आग बुझने के बाद कारण क्या है। इस तरीके से 3 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है, तो इसमें क्या और कुछ काम होते थे, क्या कुछ खास दफ्तर तो इसमें मौजूद नहीं थे? नहीं, फिलहाल तो ये स्लीप वेल मैट्रेस का ही गोदाम था, क्योंकि ये ऐसा चीज होती है कि इसमें आग बहुत तेजी के साथ पकड़ती है, इसलिए यहाँ के आसपास के घरों के लोगों को भी घर को भी खाली करा दिया गया है, लोग अपने घर से बाहर निकल आए हैं। आग काफी विकराल रूप धारण किए हुए है और ब्रिगेड के अधिकारी जो है आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है या कितना वक्त लग सकता है? फिलहाल जल्दी ही आग पर काबू पा लिया जाएगा और दमकल की लगभग 4-5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि जो आग लगने की बात है, जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, ये यहाँ पर जो लोग मौजूद थे जिस वक्त यहाँ बिल्डिंग में आग लगी, लोग कार्यरत होंगे, लोग काम कर रहे होंगे, तो क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर तो नहीं है? फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही है और आग काफी विकराल है, पहले इसको बुझाने की प्राथमिकता है और काफी घनी आबादी है, इसलिए आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है, क्योंकि ये मैट्रेस का गोदाम है और ये गद्दे और रजाई वगैरह इसमें और तकिए वगैरह रहते हैं जो बहुत तेजी के साथ पकड़ते हैं, तो इसलिए आग की विकरालता को देखते हुए सबसे पहले तो आग बगल का जो क्षेत्र है, जो लोग रहने वाले हैं, उनको घरों से बाहर कर दिया गया है और फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो है, जो भी जो कर्मचारी है, सब आग बुझाने के काबू में लगे हुए हैं। जी चंद्रकांत, ये भी बताएं कि इस 3 मंजिला इमारत के पास जो और भी मकान दुकान होंगे, और भी इमारतें बनी होंगी, क्या उन्हें तो कोई हानि नहीं पहुंची है? फिलहाल 3 मंजिला इमारत है, ये समझिए कि आग की विकरालता इतनी है कि इसका 3रा मंजिला भी जो है आग की चपेट में आ गया है, तो आग तो काफी बड़ी लगी हुई है और हो सकता है कि अगल बगल को भी पकड़ ले, लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा लग रहा है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के बाद कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा? चंद्रकांत, बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों को बाहर भी, जो अगल बगल के जो घर के लोग हैं उनको भी बाहर निकलवा दिया गया है और लोगों से कह दिया गया है कि जब तक आग पूरी तरह से बुझ नहीं जाती है आप लोग जो है बाहर ही रहें। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत